पूरी 400 सीढ़ियाँ भाई, आज खूब नींद आएगी। कृपया नशे ही बंदा इस रास्ते से ना आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं गुलजार और मैं हूं इस वक्त थाईलैंड के सिटी पटाया में, और आज की वीडियो होने वाली है कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग। आज करेंगे हम हाइकिंग बीच रोड से होते हुए वॉकिंग स्ट्रीट, और वॉकिंग स्ट्रीट का आपको नज़ारा दिखाएंगे, और वहां से होते हुए बाली खाई, और उसके बाद सीक्रेट रास्ते से सीढ़ियों से जाएंगे हम ऊपर पहाड़ी पे, जहाँ लिखा हुआ है पटाया सिटी का लोगो। और आज साथ है हमारे जट पटाया वाला, आ गया अभी जट पटाया वाला। हाँ जी, किदा कैम हो सारे? जट साहब डायलॉग एक दफा। आ गया जट, आ गया टोरंटो वाला, मणि मणि कीती भैया। हाँ जी, और साथ है हमारे कृष्णा भाई। अभी आपको दिखाते हैं, पहले सनसेट हो रहा है, थोड़ा सा बीच का नज़ारा, उसके बाद चलते हैं हाइकिंग की तरफ। जी गाइस, देखो काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, सामने हो रहा है सनसेट, और ये है पटाया बीच, पटाया सिटी बीच रोड। कभी टाइम था कि यहाँ काफ़ी रश हुआ करता था, लेकिन अभी दोबारा बहाल हो रहा है, दोबारा से ओपन हो रहा है 1 जुलाई से। चलते हैं अभी, इधर से जाएंगे बीच रोड से होते हुए वॉकिंग स्ट्रीट, और वॉकिंग स्ट्रीट से होते हुए वो जहां पटाया सिटी लिखा है लोगों के पास, और फिर जाएंगे उधर से ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहाड़ी पे। चलते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए, भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज की वीडियो होने वाली काफ़ी मज़ेदार, रोमांचिक। और अभी आपको देते हैं वीज़ा की अपडेट। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि थाईलैंड के वीज़ा की क्या अपडेट है। 1 जुलाई से ओपन तो हो रहा है थाईलैंड, टूरिस्ट के लिए ओपन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के लिए वीज़ा तो ओपन नहीं किया इन्होंने फ़िलहाल, वीज़ा ओपन की अपडेट नहीं है। लेकिन फ़्लाइटें आ रही है, 2 तारीख से आ रही है इंडिया से फ़्लाइटें, और 3 से आ रही है पाकिस्तान से फ़्लाइटें, कराची से आ रही पहली फ़्लाइट थाई एयरवेज, और होप सो इस महीने की लास्ट तक, इस मंथ की लास्ट तक वीज़ा भी ओपन हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आइएगा ज़रूर। शाम का टाइम है, 6 बज गए हैं, तो इस वक्त काफ़ी लोग, लोकल जो लोग हैं, वॉक वगैरह करते हैं। अभी पहुंच गए हैं वॉकिंग स्ट्रीट के गेट पे, और देख सकते हैं आप, बोर्ड वगैरह भी लगा दिए इन्होंने ऊपर वाली हाई का, और वॉकिंग में भी थोड़ा सा काम चल रहा है। अभी जब आप आओगे तो आपको एक नई वॉकिंग मिलेगी। ये हो गया इंटर अभी वॉकिंग स्ट्रीट में, ये स्टोन हाउस क्लब, ये नशे वालों का नया क्लब कवाली। ये सारे गोगो बार हैं इधर भी। सभी बंद पड़े हुए हैं, और ज्यादा प्रॉपर्टी जो है 2 लाख पे लगी हुई है। कम जुलाई से हो जाएंगे ओपन ये गोगो बार वगैरह, तो हो जाएंगे ओपन कोरियन क्लब, चाइनीज क्लब, तो लेकिन जो इंडियन क्लब है, इंडियन, वो उनको अभी टाइम लगेगा, उनका कन्फर्म नहीं है।
ये गाइस ये आ गए इंडियन क्लब, सभी लोग आप तो जानते होंगे ये रास क्लब है, वो पीछे है कामा क्लब और वो सामने है नशा। इन फ्यूचर जल्दी आपको ये ओपन मिलेंगे, अभी तो फिलहाल देख सकते हो आप सुनसान है और 7-Eleven भी बंद है। वो सामने आ गया नशा क्लब और ये आ गया साथ ही रशियन क्लब, ये वगैरह भी बंद है, मैकडोनल्ड भी बंद है। वॉकिंग स्ट्रीट का काफ़ी बुरा हाल हो गया, अभी तो काम वगैरह भी कुछ हो रहा है। आपको फ्यूचर में जब आप आओगे तो ये थोड़ा सा क्लीन क्लीन मिलेगा, ये तारे वगैरह नीचे डाल रहे हैं, नीचे डाल देंगे। ये है बॉलीवुड क्लब, रशियन टूरिस्टो और ये है जी भाई सबका फेवरेट नशा क्लब। यह भाई ग्लासी या भाई नशा क्लब बंद पड़े हुए हैं और ये रूफ टॉप तो काम हो रहा है कुछ, वॉकिंग स्ट्रीट का सीवरेज का काम कर रहे हैं। अभी आपको चलते हैं दिखाते हैं बाली हाई। जी गाइस अभी पहुंच गए हैं बाली हाई, पटाया सिटी के लोगों के पास और इधर हो रही है कुछ स्केटिंग वगैरह दिखाते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे ये कैसे सीक्रेट रास्ता है जो जिस पे आप ऊपर जा सकते हैं, वहाँ लोगों के पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे उधर से पटाया का व्यू। और इधर हो रही है कुछ स्केटिंग, ये पहले इसका इंजॉय करो। ये कुछ बच्चे वगैरह कर रहे हैं स्केटिंग, इधर बच्चे वगैरह कर रहे हैं। ये बच्चे कर रहे हैं स्केटिंग वगैरह और दूसरी साइड कर रहे हैं उधर बड़े प्रोफेशनल स्केटर, वो भी आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं उस तरफ। अभी आपको दिखाएंगे सीक्रेट रास्ते से कैसे आप ऊपर वो लोगों के पास जा सकते हो। अभी चलते हैं लोगों के पास। ये बन गया स्केटिंग क्लब है, इधर अभी चालू हुआ है स्केटिंग क्लब, लोग आते हैं स्केट करते हैं इधर। जी गाइज अभी आपको दिखाते हैं सीक्रेट रास्ता जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा ऊपर लोगों की तरफ। आप बाली हाई से होते हुए सीधा इस रास्ते पे आगे आके यहाँ से ये पीछे है सीढ़ियाँ, अभी आपको सीढ़ियों से लेके चलते हैं ऊपर लोगों की तरफ और ये वो रास्ता है जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा और हमें भी थोड़े दिन पहले इस रास्ते का पता चला है। चलो चलते हैं अब और आपको दिखाते हैं सीक्रेट रास्ता लोगों की तरफ। अभी चल रहे हैं सीढ़ियों की तरफ,
ये ऊपर का खुफिया रास्ता जो आपको किसी ने अभी तक व्लॉग में नहीं दिखाया होगा। ये सीढ़ियाँ जाती हैं भाई तकरीबन 400 सीढ़ियाँ, ये 400 सीढ़ियाँ जाएंगी ऊपर आपको जहाँ पे पटाया सिटी का लोगो लिखा हुआ वहाँ पे लेके जाएगी। और इसका रात को कोई रिस्क नहीं लेता, लेकिन हम फिर भी आप सब लोगों के लिए ये रिस्क ले रहे हैं। रास्ता तो साफ है, जान जोखिम में डाल के आपके लिए हम यहाँ ये दिखाने जा रहे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सब्सक्राइब करें। 400 सीढ़ियाँ भाई, अभी आज बजने लगी है बैंड, आज खूब नहीं रहेगी। कृपया नशे ही बंदा इस रास्ते से ना आए। सिर्फ जिम वगैरह करने वाला ही इस रास्ते से आए। जाएंगे और ऊपर, एक स्टेप है भाई, था कि हो गया भाई। चलो भाई अभी तो ऊपर जाना, और चलो 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 चलो, लेवल टू स्टार्ट, लेवल वन खत्म हो गया भाई, गेम का लेवल टू स्टार्ट। जी भाई पहुंच गए अभी ऊपर। अगर यहाँ पहुंचने के बाद भी किसी भाई में थोड़ी सी हिम्मत को बच गई हो तो वहाँ पीछे जिम है, ओपन जिम है, वो जिम भी कर सकता है। तो ये है पीछे पटाया सिटी का लोगो, अभी आपको दिखाते हैं ओपन जिम। आप यहाँ पे जिम भी कर सकते हो, फ्री जिम है ये। नहीं भाई और इधर कुछ जिम वगैरह, यहाँ आके भाई जिम भी कर सकते हो आप। ये ओपन जिम है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी गुलजार भाई, स्टेप टू शक्तां पूरियां फुल, हाँ अज मुंडे ने सिक्स पैक कढ़ के घर जाना, शक पै गया मैनू पूरा। जी गाइस एक्सरसाइज कर ली, अभी जा रहे हैं नीचे, 10 स्टेप नीचे हैं सीढ़ियों के, पटाया सिटी के लोगों की तरफ। जी आ गया जी अच्छा टोरंटो वाला, आ जाओ खमन खमन बेबी होती है। जी गाइस फाइनली पहुंच गए ऊपर, ये नीचे हो रही है स्केटिंग बाली हाई, और वहां से आए थे हम ऊपर सीढ़ियों पे क्रॉस करके। आप भी जब आओ वॉकिंग सीट से होते हुए बाली हाई, और वहां पे है सीढ़ियां, सीढ़ियों से ऊपर आ सकते हो। और ये जी पहुंच गए हम पटाया सिटी लोगों के ऊपर, तो यहाँ पे बनाया हुआ उन्होंने बैठने के लिए, फ़ोटो वगैरह करने के लिए। आप इधर आओ बैठ भी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो सिटी व्यू का, और इधर फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हो, वीडियो बनाओ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देखो और एंजॉय करो।
इन फ्यूचर कोई भी आए इसी रास्ते की तरफ से, हमारे बताए गए रास्ते से कोई भी आए, तो हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमने आपका बताया हुआ रास्ता इस्तेमाल किया। नीचे हो रही है स्केटिंग। ओके जी गाइस, अभी करते हैं वीडियो को लास्ट, वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। और बाइक के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई फेवरेट प्लेस है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका एक नए व्लॉग बनाएंगे और मिलेंगे किसी और एक नए जगह के साथ। शुक्रिया सब भाइयों का, थैंक यू, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।